बहुत सारी हमारी प्रेग्नेंट सहेलियां ये जानना चाहती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में ड्राई फ्रूट को कितना खाना है, क्योंकि कम खा लें ज्यादा खा लें दोनों में ही दिक्कत है, कब खाना है, किस महीने से खाना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज हम जानने वाले हैं ड्राई फ्रूट से रिलेटेड सारी बातें और वो तरीका जिससे कि ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होंगे और उसका आप पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी के लिए न्यू बॉर्न केयर और मदर केयर पे मैं एपिसोड लेकर आ रही हूँ एवरी ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का हमारा एपिसोड देखना ना भूलें, क्योंकि डिलीवरी के बाद कैसे चीज़ों को हैंडल करना है उसकी प्रिपरेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको 9 महीने तक जुटा लेनी चाहिए, जिससे कि तब आप एंजाइटी में ना पड़ें, स्ट्रेस में ना पड़ें और आपसे मिस्टेक्स ना हो। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, क्यों, ड्राई फ्रूट खाने से क्या होता है? ड्राई फ्रूट में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, जिंक है, फाइबर है, तो इससे हीमोग्लोबिन अप रखने में हेल्प मिलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपको हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए। आपको भी नरिश करना है, बच्चे को भी नरिश करना है, तो खून की मात्रा तो बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी मेंटेन करने, डाइजेशन को मजबूत रखने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करूँगी, कैसे खाना है, तरीका, परफेक्ट तरीका क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे बहुत सारे ऑडियंस के लिए कि ड्राई फ्रूट खाना कब से शुरू करें, ये मुझसे कई बार पूछा भी गया है और बड़ा ही स्वाभाविक, बड़ा नेचुरल और प्राइमरी क्वेश्चन है कि ड्राई फ्रूट खाना कब से चालू करें। सो 60-70% फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पहले हफ्ते से 12वें हफ्ते के बीच बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस रहता है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है तो बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी साइड कर दीजिए, फिग में से या रेजिन में से जो आपको ठीक लगता है खाया जा रहा है उसको खाइए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा और उसे भी भिगो के खाना है। ये तो बात हो गई उनकी जिनको कि मॉर्निंग सिकनेस होता है। लेकिन जो महिला बिल्कुल फिट हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर को, डाइजेशन भी एकदम अच्छा है, सेकेंड प्रेगनेंसी में आरामदायक होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर की स्थिति, तो ऐसे में आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर से भी शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे सवाल की कि ड्राई फ्रूट को कैसे खाएं कि उसका फ़ायदा हो, ड्राई फ्रूट की गर्मी आपके शरीर में ना हो, उसका लाभ मिले आपको। तो इसके लिए है कि आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करके खाएं, क्योंकि जैसे कि आलमंड ले लीजिए, आलमंड के छिलके में कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हमको आलमंड का पील जो है हटा के, छिलका हटा के खाना है। और वो कैसे होगा, जब आप उसको सोक करेंगे, सोक करके उसका छिलका हटा देंगे और तब उसको कंज्यूम करेंगे। तो सारे आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उसको अब सोक कर दीजिए। अब बात आती है कैटेगरी की, तो ड्राई फ्रूट्स में 2 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिसमें कि ड्राई फ्रूट को आपने पानी में भिगोया, उसका पानी भी उतना ही ताकतवर हो जाता है, और वो दो चीज़ें हैं, फिग और रेजिन। रेजिन का मतलब मुनक्का, किशमिश नहीं। किशमिश आयुर्वेद में बताया गया है कि एसिडिटी का कारण बन जाती है, इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मुनक्का, जिस किशमिश में बीज होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उस मुनक्के का इस्तेमाल करें, क्योंकि मुनक्का मेडिसिन के फॉर्म में, आयुर्वेदा के कई सिरप में, कई फॉर्मूलाज में यूज़ किया जाता है और उससे एसिडिटी नहीं होती। तो आप अंजीर और मुनक्का भिगो कर ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, खून भी बढ़ाएगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, अनंत फायदे हैं इसके। दूसरी कैटेगरी है उन ड्राई फ्रूट्स की जिसको कि सोक करना है, पानी यूज़ का नहीं है आपका, छिलका हटाने का है। अगर इसमें छिलका है, जैसे आलमंड में छिलका हटाना है, अखरोट में नहीं है, अखरोट को पील ऑफ करके ही हम छिलका हटा के सोक करते हैं, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना है। अब बात आती है तीसरे सवाल पे हम आएंगे कि तीसरा सवाल ये कितनी मात्रा में खाएं, क्यों, क्योंकि ज़्यादा खाया तो प्रॉब्लम और कम खाया तो क्या खाया। तो अब बात करते हैं एक एक ड्राई फ्रूट की कितने कितने एक दिन में कंज्यूम करना है। आलमंड्स की, बादाम की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6 आलमंड्स अगर डेली रूटीन में खा रहे हैं आप, तो 4 से 6 सोक्ड आलमंड्स आपको लेने हैं। अंजीर अगर खा रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम 2 अंजीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है तो फिर वो भी ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। अखरोट लेना है तो अखरोट 2 साबुत अखरोट, यानी कि आधे आधे टुकड़े में जो अखरोट निकलता है वो 4 होने चाहिए, 2 साबुत अखरोट आप भिगो कर ले सकते हैं। मुनक्का कितना खाना है, 10 से 12 मैक्सिमम। अगर कम खाएं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा 7-8 कर सकते हैं, लेकिन 10 के आसपास काउंट अच्छा है। बात आती है काजू को, तो काजू को आप सोक करके भी खा सकते हैं, बिना सोक किए भी खा सकते हैं, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी आपको क्रेविंग होती होगी कि कुछ क्रंची खाएं, तो उस समय एक मुट्ठी मिक्स मुनक्का और काजू का आप लीजिए और उनको इंजॉय कीजिए, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, हड्डियाँ बच्चे की बहुत मजबूत बनेंगी और आपकी जो क्रेविंग है वो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन वाली होगी।
उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आप इनमें से क्या क्या खा रहे हैं और आपको क्या खाना बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।